हमारी बहुत सी क्वेरीज होती हैं कि हमें लिवर की प्रॉब्लम चल रही है और हमें फल कौन से खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए। दोस्तों, आज आपको मैं इन फलों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। चार फल ऐसे हैं, अगर आप डायबिटिक हैं और आपको लिवर प्रॉब्लम है, अगर आप डायबिटिक हैं और आपको किडनी प्रॉब्लम है, तो भी आप ले सकते हैं। उनमें से सबसे पहले नंबर पर आता है पपीता, जिसको कि आप 12 महीने कभी भी उसका सेवन कर सकते हैं। सेब एक ऐसा फल है जो डायबिटिक और नॉन डायबिटिक केसेस दोनों में आपको लाभ देगा, दोनों में आपको फायदा देगा। तीसरे नंबर पर अमरूद आता है, अगर उसमें कोई बीज निकाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। और चौथे नंबर पर नाशपाती, जिसे हम पियर बोलते हैं। तो ये चार फ्रूट तो हमें लेने ही लेने हैं। उसके बाद कुछ फ्रूट्स ऐसे, अगर आपको डायबिटीज़ भी साथ में है तब आप इन चारों तक सीमित रखें, लेकिन अगर डायबिटीज़ नहीं है और आपको लिवर प्रॉब्लम है तो सिट्रस फ्रूट को ज़रूर ऐड करें, जिसमें कि संतरा, किन्नू, मौसमी, माल्टा, ये चार फल आते हैं। और उसके साथ आप अनार को जोड़ सकते हैं। ये आपके अंदर से लिवर की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें, लिवर की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है, फ्रूट तो ये ज़रूर लें जो मैंने बताए हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी सीमित रखें, क्योंकि कई बार ये पोटाशियम को रेज करने में हमारे पास प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज़ के साथ आपका जो भी क्वेरीज रहती हैं, हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैक्सिमम उसके रिस्पांस मिल सके। इसके साथ आप फिर भी चाहते हैं कोई और जानकारी लिवर से रिलेटेड और असाइटस से रिलेटेड, आप हमारे नीचे लिखे हुए नंबर पर हमारे स्टाफ से कनेक्ट कर सकते हैं। उनको अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप पर शेयर करिए और उनसे अपनी प्रॉब्लम का सलूशन पाइए। मैं हूं डॉक्टर नवीन आर्य, 30 वर्षों के अनुभव के पश्चात आयुर्वेद योगाश्रम के लिए लिवर और किडनी का आपका साथी। धन्यवाद।